सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं नाम दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कैसे आप स्पायरल स्टेयर क्रिएट कर सकते हैं अंडर वन मिनट में ब्लेंडर को यूज़ करके, और काफ़ी इजी एंड कूल ट्रिक है। सो इस वीडियो में आप देख सकते हैं इस तरह की स्पायरल स्टेयर। इस तरह के नहीं, आप और तरीके भी बना सकते हैं, पर मैं आपको स्पायरल स्टेयर बनाना सिखाता हूँ विदाउट किसी एम्प्टी ऑब्जेक्ट के। जस्ट आपको दो मॉडिफायर यूज़ करने हैं, वो कौन से दो मॉडिफायर इसमें बात करने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सो ऑल राइट गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक न्यू प्रोजेक्ट फाइल ओपन हो चुकी है, और उस तरीके स्टेयर बनाने के लिए मैं इस बेसिक क्यूब को यूज़ करने वाला हूँ। तो उसको मैं हल्का सा स्केल करूँगा, कुछ ऐसे, इतना स्केल काफ़ी है। उसके स्केल करने के बाद मैं इस पर स्केल अप्लाई करूँगा प्रेसिंग दी कंट्रोल ए। उसके बाद जाऊँगा अपने मॉडिफायर सेक्शन में, यहाँ पर मैं ऐड करूँगा एक एरे मॉडिफायर, और यहाँ पर मैं चेंज करूँगा अपने जी वैल्यू टू 1। तो आप देख सकते हैं गाइस, हमारे पास इस तरीके का यहाँ पर एक स्टेयर का इफेक्ट क्रिएट हो गया। एंड इसके बाद यहाँ पर मैं नंबर ऑफ स्टेयर ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया 30 नंबर ऑफ स्टेयर, कुछ ऐसे आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं एक और मॉडिफायर लगाऊंगा जिसका नाम है बेसिकली सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर। पर सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर लगाने से पहले आपको इसमें कुछ सब डिविजन डालना होगा जिससे हल्का सा बैंड हो। तो यहाँ पर मैं कम से कम 12 नंबर ऑफ कट्स यहाँ पर डालने वाला हूँ, ऐसे कुछ एज लूप यहाँ पर बीच में। और उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड करने वाला हूँ सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर, और सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं चेंज करूँगा ट्विस्ट एज अ बैंड, और यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा 360 डिग्री। और यहाँ पर आपको जस्ट एक्सिस को चेंज करना है और देखना है कि कौन सी एक्सिस आपके लिए फिट बैठ रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं गाइस, मेरे लिए 360 डिग्री जी एक्सिस परफेक्टली यहाँ पर बैठ रही है। उसके बाद यहाँ पर आप नंबर ऑफ स्टेयर को कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर। सो आई थिंक 22 स्टेयर मेरे लिए बहुत कूल है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगा एक सिलेंडर, और सिलेंडर को हम रख सकते हैं यहाँ पे इस बीच में बेसिकली, जहाँ पे हमारा ये इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं कोई भी स्पायरल स्टेयर। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको आज को नया सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से लोगों से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइज़।